नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो है हम पढ़ने वाले हैं पेट 2022 के लिए DI को। DI में जो है दो टॉपिक में आपका सिलेबस दिया हुआ है। क्या है? एक है ग्राफ, जिसपे दो ग्राफ दिया रहेगा और एक ग्राफ पे 5-5 प्रश्न अर्थात ग्राफ से रिलेटेड 10 प्रश्न आपसे पूछेगा। और दूसरा दिया है तालिका, तालिका पे आधारित 10 प्रश्न वो आपसे पूछने वाला है। तो एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, आज ये जो क्लास होने वाली है, ग्राफ एवं तालिका का महामैराथन होने वाला है। ग्राफ को हम अच्छे से पढ़ाएंगे। कितनी लंबी क्लास होगी ये हमको भी नहीं पता है। अगर ग्राफ की क्लास लंबी होगी तो तालिका को अलग कर देंगे, नहीं तो दोनों इसी में हम बता देंगे। तो पहले सिलेबस को एक बार देख लेते हैं क्या है। सिलेबस आपको पता ही है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ग्राफ, ग्राफ पर आधारित आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और तालिका पे आधारित आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये चीज आप लोग जानते हैं। और ये आपकी क्लास जो है 20 अंक आपको पक्का कर देगी। एक चीज और फ्रेंड करना चाहेंगे, आप जब भी इस क्लास को देखें तो सीखने के माइंडसेट्स के साथ देखें और जब आपके पास समय हो तब इस क्लास को देखें। एक बार में इस पूरे क्लास को देख जाएं तब जाके आपको फायदा होगा, ठीक है? या इसमें जैसे हम अभी बताएंगे, ग्राफ तीन तीन पार्ट के होते हैं, तीन टाइप के ग्राफ होते हैं। एक पाई ग्राफ होता है, पाई चार्ट जिसको बोलते हैं। एक जो है दंड ग्राफ होता, बार ग्राफ उसको बोलते हैं, लाइन ग्राफ। या तो आप जब पढ़ रहे हैं तो पाई चार्ट को खत्म कर ले, तब वीडियो को छोड़े, फिर दंड ग्राफ को खत्म कर ले और फिर लाइन ग्राफ, ऐसा करके पढ़े। मतलब जो टॉपिक उठाए उसको पढ़ के ही तब खत्म करें, तो उससे आपका एक समझ विकसित होगा और आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा, ठीक है? कहने का मतलब यह है, पूरा वीडियो आप देखें। चलिए, अब ये तो हो गई सिलेबस की बात, तो हम सबसे पहले ग्राफ को ही पढ़ते हैं कि ग्राफ क्या होता है, कितने टाइप के ग्राफ हैं और किस टाइप के प्रश्न हमसे आप पूछे जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं ग्राफ। ग्राफ जो होता है आपका, जो आपसे बेसिकली इसमें है, तीन टाइप का ग्राफ इसमें है। पहला एक होता है पाई चार्ट। क्या होता है? पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट। दूसरा होता है बार ग्राफ। बार ग्राफ, या इसको हिंदी में बोलते हैं दंड चार्ट, ठीक, दंड चार्ट। अभी हम बताते हैं कैसे होता है ये, मतलब इसकी ये दिखने में कैसा होता है वो भी हम बताएंगे। तीसरा होता है लाइन ग्राफ। क्या होता है? लाइन ग्राफ, या इसको बोलते हैं रेखीय चार्ट, रेखीय चार्ट। तो ये तीन टाइप के आपके ग्राफ होते हैं, इन्हीं से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। एक देगा उस पर 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, दो चीजें, दो ग्राफ आपके पास पेपर में पूछा जाएगा। तो अब देख लीजिए पाई ग्राफ कैसे दिखता है। पाई ग्राफ ऐसे गोला सा रहता है, ठीक है, इसको ऐसे बांट दिया जाता है। इसमें दे देगा कि 30% है ये जो है, मान लीजिए चाय पीते हैं, ठीक है, 20% मान लीजिए कॉफी पीते हैं, और मान लीजिए 35% आपका जो है कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक है, और 15% आपका जो है मान लीजिए दही खाते हैं या दही पीते हैं या लस्सी पीते हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है। ये होता है आपका पाई ग्राफ। अब देख लीजिए बार ग्राफ कैसा होता है। बार ग्राफ ऐसे आपका रहेगा और इसमें ऐसे करके आपका बना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नंबर दिया रहेगा, 10, 20 करके, 30 करके, और इस पे भी नंबरिंग या तो लिखी रहेगी या तो लगभग उसी के बराबर रहेगा कि आप देख के ही पता कर पाएंगे कि क्या है। या नीचे यहाँ पे रहेगा ए बी सी, या यहाँ पे 1999, 2000, 2001, ऐसे करके ये होता है आपका कौन सा, बार ग्राफ या दंड ग्राफ। लाइन ग्राफ क्या होता है? लाइन ग्राफ ऐसे रहेगा,
उसमें चीजें ऐसे ऐसे करके बनी रहेंगी। यहाँ मान लीजिए ए लिख देगा, यहाँ बी लिख देगा, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ, यहाँ जी, यहाँ एच। ये मान लीजिए 8 कंपनियां हैं, उनका ग्रोथ रेट ऐसा है, ठीक है। ये इस हिसाब से आपका लाइन ग्राफ होता है। तो ग्राफ क्या होता है, किस टाइप की ग्राफ कौन कौन से कहलाते हैं, इसको आप सीख गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इस पे आधारित प्रश्न जो है किस हिसाब से पूछे जाते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। अभी इसमें तो ग्राफ हो गया, अब हम समझ लेते हैं इसमें जो बेसिक चीजें हैं जो हमको जरूरत पड़ेंगी, वो है आपका औसत, प्रतिशत और अनुपात। आप लोग जानते भी हैं, लेकिन हम जो है उनको भी सिखाने की कोशिश करेंगे, जो मान लीजिए मैथ से जिनको डर लगता है या अभी वो नहीं जानते हैं कि औसत कैसे निकाला जाता है और प्रतिशत क्या होता है, सारी चीज हम बताने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। चलिए पहले हम औसत को सीख लेते हैं। औसत हम बेसिक बताएंगे और उसी से ही आपका ग्राफ हो जाएगा। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे में पदों की संख्या। क्या होता है, पदों की संख्या, कितने वो नंबर ऑफ टर्म है। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। 5, 7, 9, 20 और 25 का औसत ज्ञात करो। का औसत क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, आप जोड़ दीजिए पदों का योग, मतलब 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 20 और प्लस 25, ये हो गया। और कितने टर्म है इसको गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5 बटे में 5 कर दीजिए। अब जोड़ लीजिए 9, 7, 5, 12, 12, 9, 21, 21 और 20, 41, 41, 5, 46 और 20, 66, 66 ये आएगा, ठीक है। और 66 बटे में आप 5 कर दीजिए, ठीक है। आप जोड़ अपने अनुसार सकते हैं, जैसे भी आप जोड़े इसको, ठीक है। 5 से इसको भाग कर दीजिए तो आ जाएगा 5 एक 5, 1 6, 5 3 15, 1 16 और 5 2 10, अर्थात 13.20 इसका क्या आ जाएगा, इसका औसत आ जाएगा। औसत में बस इतनी ही चीजें आपको ग्राफ के लिए जरूरी है, बाकी जो आपके सिलेबस में दिया है मैथ में वो अलग चीज है, यहाँ आपको बस इतना ही जानना है, ठीक है। आपको जो अगर मैथ से डर भी लगता है फिर भी आप डीआई सही कर लेंगे, डीआई में मैथ की इतना कोई गहन जानकारी होने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही औसत में आपको जानना है, ठीक है। ये हो गया औसत। फिर इसमें जो दूसरी चीज आपको जाननी है जरूरी, वो होता है प्रतिशत। प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत को आप समझ लीजिए क्या होता है, प्रतिशत का सिंबल ये होता है, ठीक है। तो किसी चीज में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो वही उसका प्रतिशत होता है। देखिए हम बताते हैं, जैसे आप जो है हाई स्कूल में मान लीजिए 600 अंक था, 600 अंक, ठीक है, और आपका ये क्या था, ये था पूरा जो है पूर्णांक, ये था पूर्णांक, और आप जो उसमें प्राप्तांक आपका क्या हुआ, प्राप्तांक आपका मान लीजिए 480 अंक आ गया, ठीक है। ये अंक है, ये भी अंक है, और हम आपसे पूछ लीजिए आपका, हम पूछे कितना आप परसेंट है पाए हैं, तो आप क्या करेंगे कि जो भी है प्राप्तांक करेंगे ऊपर 480 और पूरा पूर्णांक करेंगे 600 × 100 कर देंगे, ठीक है। जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, तो ये 6 से काटेंगे, 6 × 48, 6 × 0 अर्थात 80% आप जो है अंक प्राप्त किए हैं, ये होता है प्रतिशत। और इसमें क्या जरूरत है आपको जानने की, प्रतिशत में बता देते हैं, दो चीजें ले लीजिए, जैसे ए बराबर है 20 और बी बराबर मान लीजिए 30। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक मिनट इसको पूरा इरेज कर लेते हैं फिर आपको अच्छे से बताते हैं,
ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यही इतनी चीजें जो हम समझा रहे हैं, प्रतिशत, औसत और अनुपात, बस इतना ही आपको समझना है, बाकी आप तो आराम से कर लेंगे। लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा, बस ए बराबर मान लीजिए 20 है और बी बराबर आपका मान लीजिए 30 है, ठीक है। हम आपसे पूछते हैं ए, यहां से प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ए बी से, ए बी से कितना कितना कम है, ए बी से कितना कम है, पहला, ठीक है। दूसरा, ए बी से कितना परसेंट कम है, कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, कितना प्रतिशत कम है। तीसरा, ए बी का कितना प्रतिशत है, ध्यान दीजिएगा कितना प्रतिशत है, यही चीज आपसे प्रश्न में बार बार पूछा जाता है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ए को ऊपर रखें कि बी को ऊपर रखें, ये चीज आप ध्यान रखें। चलिए देखते हैं प्रश्न पे, ए बी से कितना कम है, तो ए बराबर कितना है 20 है, बी बराबर कितना है 30 है, तो बी से कितना कम है ए, तो बी माइनस ए कर दीजिए आप यहाँ पे, यही होगा ना, बी से कम तो कितना कम हो जाएगा, तो 10 कम हो गया, पहले का आंसर ये हो गया। दूसरा कह रहा है ए बी से कितना प्रतिशत कम है, ध्यान दीजिएगा बी से बात करेगा, जिससे बात करेगा वो नीचे आएगा, और कितना प्रतिशत कम है, तो पहले हमको कमी निकालनी पड़ेगी, ए बी से कितना कम है, तो अभी हमने निकाला कितना कम है, 10 कम है, सॉरी किससे कम है, तो बी से कम है, तो नीचे किसकी वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू आएगी, बी कितना है 30 है, गुड़े आप 100 कर देंगे यहाँ पे, इसका आंसर जो है आएगा कितना आएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत जो है आपका ए बी से कम है। ये चीज लोग नहीं जानते और यहीं पे दिक्कत होती है कि किसको नीचे रखें किसको ऊपर रखें, ठीक। तीसरे प्रश्न पे आते हैं, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए जो है बी का, जिसके साथ देख लीजिए से लगेगा और का लगा रहेगा वही नीचे आएगा, ए बी का कितना परसेंट है, तो कुछ नहीं करना, ए क्या वैल्यू लिख लीजिए 20 है, किसका बी का, बी कितना है 30 नीचे आएगा, और गुणे 100 कर देंगे आप, ठीक है, इसको कट कर दीजिए और ये आ जाएगा 200/3 आपका 3, इसको काटेंगे तो शायद कितना आएगा 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 2 + 2 = 20, 3 × 6 = 18, ठीक है, 66.66 आपका ये आ जाएगा। तीनों चीज में अंतर आप समझ गए होंगे, ये दूसरे और तीसरे को ध्यान से जरूर देख लीजिए, ए बी से कितना परसेंट कम है, तब कैसे निकालेंगे, ए बी का कितना परसेंट कम है, यही बार बार अभी प्रश्न में आएगा और यहीं पे गलती होने चांसेस रहते हैं। अगर इतना सीख गए तो आप समझ लीजिए पूरी डीआई आपके हाथों में है, ठीक है। प्रतिशत हो गया, आइए अब चलते हैं हम अनुपात पे, अनुपात क्या होता है, अनुपात को हम लोग देखते हैं, अनुपात में कुछ है नहीं, आप लोग जानते भी हैं, बहुत सारे जो मित्र इसको देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत हल्की चीज आप सर बता रहे हैं, हाँ मैं हल्की ही चीज बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे मित्र हैं जो इनको बताने की जरूरत है जिससे वो ग्राफ को अच्छे से कर पाए। चलिए हम देख लेते हैं अनुपात, अनुपात जो है किन्हीं दो तीन, जब तक एक से ज्यादा चीजें नहीं होंगी तब तक आप अनुपात नहीं बता सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि चलिए दो दो संख्याएं हैं, ए बराबर जो है 10 है और बी बराबर मान लीजिए 15, तो इसमें क्या पूछेगा, वही पूछता है कि ए अनुपाते बी कितना होगा, या क्या पूछ लेगा बी अनुपाते ए कितना होगा, ठीक, ये दो चीज पूछता है। तो जो वैल्यू पहले लिखे रहेगी उसको पहले लिखना है, जो बाद में लिखा है उसको बाद में लिखना है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो गया, अनुपाते बी बराबर कितना हो जाएगा 15, अगर काट रहा है तो काट दीजिए, 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15,
दो अनुपाते तीन। अगर बी अनुपाते पूछेगा तो 15:10 हो जाएगा, और जो है 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। प्रश्न में लोग पूरा प्रश्न बना लेते हैं, बस वहीं पे ध्यान नहीं देंगे कि किसका पहले पूछा है कौन बाद में रहेगा, यहाँ पे गलती होती है। जो ज्यादा जल्दबाजी करते हैं उनकी गलती होने चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक चीजें। ग्राफ अभी तक हम लोगों ने क्या सीख लिया, ग्राफ कितने टाइप के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, और जो है हमने इसके बाद सीखा कि औसत कैसे निकालते हैं, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रतिशत में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, और अनुपात में क्या होता है। एक चीज और अनुपात में ध्यान रखिएगा, कभी कभी अनुपात में ऐसे दे देगा, उसको भी यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं। पिछली बार पेट 2021 में ऐसा प्रश्न पूछा गया था जो हम अभी बताने वाले हैं। क्या पूछा था, मान लीजिए उसमें दिया था कि अब याद तो नहीं आ रहा, शायद भूगोल और इतिहास सब्जेक्ट का, भूगोल और इतिहास करके दिया था, भूगोल अनुपाते इतिहास बराबर दे दिया था 0.4 एक दिया था, और एक मान लो दिया था 0.5। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न को नहीं बना पाए, अच्छे अच्छे लोग नहीं बना पाए। देखिए क्या इसका मतलब होता है, अगर कहीं भूगोल अनुपाते भूगोल और इतिहास का अनुपात दिया, तो पहले ये ध्यान रखिएगा कि कौन पहले लिखा है। जो पहले लिखेगा लिखा रहेगा वो ऊपर, जो नीचे नीचे जिसकी बात करेगी वो नीचे रहेगा। बराबर दिया है 0.4 मान लीजिए ये दिया है, तो उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको दशमलव को हटाने के लिए जहां पे दशमलव है वहां पे एक लिख देते हैं, और इसके बाद जितनी संख्याएं उतना जीरो बढ़ा देते हैं। तो दशमलव के नीचे हमने एक लिख दिया, और उसके बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो हमने यहाँ पे जीरो लिख लिया, तो ये जो है पॉइंट आपका भाग जाता है। फिर इसको अगर कट रहा है तो काट दीजिए, 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10। ठीक है, तो ये आ गया बराबर जो है कितना आ गया आपका 2/5। अर्थात अगर भूगोल का जो वैल्यू पूछे तो 2 होगा भूगोल का, और इतिहास की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। अर्थात किसी ने अगर 10 नंबर में इतना नंबर पाया हुआ है, तो इतिहास भूगोल में उसने 2 नंबर पाया है और इतिहास में 5 नंबर पाया है, तब इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात तब जाके 0.4 होगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, अभी हम जो प्रश्न को कराएंगे तब आप समझिएगा इसको अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब जो बेसिक चीजें थी हमने आपको सिखा दिया है, तो आइए अब हम जो है शुरू करते हैं पाई ग्राफ से या पाई चार्ट से। चलिए पाई चार्ट पे अब आ जाते हैं, अब हम एक एक ग्राफ को उठा रहे हैं, तो आइए देखते हैं पाई चार्ट। इसमें क्या है बेसिक, पहले उसको हम बता देते हैं, फिर प्रश्नों को आपको कराएंगे। चलिए पाई चार्ट, या इसको जो है पाई ग्राफ भी बोलते हैं, पाई ग्राफ, GRAPS। ठीक है, पाई ग्राफ। अभी हमने बताया स्ट्रक्चर, आपने देखा कि स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्ट्रक्चर इसका ऐसे होता है। हमारा उतना फिगर अच्छा बनता नहीं है, गोला, तो आप लोग समझ लीजिएगा गोला। ठीक है, अब इस गोले का वैल्यू कितना होता है वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस पूरे गोले की वैल्यू प्रतिशत में, प्रतिशत में अगर पूछे तो टोटल मिला के 100% होता है, ये पूरा गोला 100% होता है। अगर कहीं डिग्री में बात करें, डिग्री, डिग्री को ऐसे लिखते हैं ना, अगर डिग्री में बात करें तो वो 360 डिग्री होता है। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये होता ही है। जब प्रश्न में रहेगा ना, या तो प्रतिशत में दिया रहेगा तो सारे का जोड़ जो है 100% होगा, और डिग्री में दिया रहेगा तो सारे का जोड़ 360 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए इसी में कहीं प्रश्न दिया, मान लीजिए आइए समझते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पे मान लीजिए चार पार्ट में इसको बांट दिया, ये दे दिया आपका गेहूं, गेहूं दे दिया आपका, गेहूं मान लीजिए है 35%। ठीक, ये है आपका चावल, चावल आपका दे दिया 20%। ठीक है, ये आपका और क्या हम लोग खाते हैं, और खाते हैं दाल, और दाल मान लीजिए दे दिया आपका, आपका दे दिया मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए 25% हम ले लेते हैं। और ये आपका ये जो सेक्शन है वो है सब्जी का,
ये क्या है सब्जी का। अगर प्रश्न में यही पूछ लिया कि बताइए सब्जी कितना परसेंट है, सब्जी कितना परसेंट है, तो हम जानते हैं कि पूरे की वैल्यू 100 होती है, इन तीनों को जोड़ के 100 से घटा दीजिए। तो आइए देख लेते हैं, तो सब्जी बराबर हो जाएगा कितना 100, सब्जी बराबर हो जाएगा आपका 100 माइनस तीनों को जोड़ के 25 प्लस 20 हो गया 45 प्लस 35, 45 पांच हो गया आपका जो है 50 और 30 80, तो 100 माइनस कर देंगे 80 आपका बराबर आ जाएगा 20। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, सब्जी कितना हो गई 20%, ऐसे भी पूछ लेगा, ये ध्यान दीजिएगा ठीक है। अब देखिए ये तो ये हो गया, अब हम आइए चलते हैं अगले टाइप पे कि जब वो डिग्री में दिया रहेगा तब क्या करेंगे ठीक है। अब आइए प्रतिशत वाला तो हो गया, अब डिग्री में देखते हैं, चलिए डिग्री में समझते हैं। वो ऐसे चार्ट देगा, उसको चार पार्ट में नहीं, उसका मन कई पार्ट में भी बांट सकता है ठीक है, लेकिन हम आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ जाएंगे तो कैसे भी देगा आप कर लेंगे। ये पूरा डिग्री कितना होता है 360 का होता है ठीक है। तो मान लीजिए इसमें कुछ दे दिया आपका, गेहूं दे दिया, गेहूं दे दिया, गेहूं आपका मान लीजिए 20 है, 20 डिग्री यहां पर सर नहीं आएगा, डिग्री आएगा ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए चावल दे दिया, चावल आपका मान लीजिए है 100 डिग्री, 100 डिग्री हो गया ठीक है। फिर आपका मान लीजिए दाल हो गया, दाल आपका हो गया 60 डिग्री ठीक है। दाल के बाद आप यहां पे ले सकते हैं, मान लीजिए हम ले लिए सब्जी, सब्जी आपका हो गया 20 डिग्री ठीक है। और यहां पे आपका हो गया मान लीजिए आप दूध खाते हैं, दूध हो गया आपका कितना हो गया, दूध आप कुछ भी ले लीजिए 200 डिग्री हम ले लेते हैं, मान लीजिए 200 डिग्री। और इसके बाद यहां पे बचता है आपका कोल्ड ड्रिंक, मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक बचता है। तो ये पूछ लेगा प्रश्न में, बताइए कोल्ड ड्रिंक का कितना डिग्री होगा, अर्थात कोल्ड ड्रिंक कितना डिग्री आपका लेगा। तो कुछ नहीं करना है, इसको आप जो है 360 डिग्री में से टोटल जोड़ के घटा दीजिए, कितना हो गया दूध का 200 प्लस 20, 220 प्लस 60, 280 प्लस 100, प्लस 100 करेंगे तो सॉरी 200 और 220, 280, 380 प्लस 20। एक मिनट, ये ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता है क्योंकि वो 360 डिग्री से ज्यादा हो गया है, हम एग्जांपल यहाँ पे ले रहे थे, तो इसको आप कम कर लीजिए क्योंकि ये सारी वैल्यू 360 डिग्री से कम ही आएगी ठीक है। तो यहाँ पे जहां पे हम 200 करे हैं इसको आप जो है 100 कर लीजिए, क्योंकि एग्जांपल हम खुद से ही बना रहे थे इसलिए ये है ठीक है, ऐसा हो रहा है। इसकी वैल्यू जो है 360 से तो ज्यादा नहीं आनी चाहिए, कतई आएगी ही नहीं, प्रश्न से नहीं पूछे जाते हैं। तो 100, 120, 180 और 180, 100, 280 और 20, तो ये हो गया आपका 300 संभवतः हो गया। एक बार जोड़ लेते हैं 100, 120, 180, 280 और 20, हाँ 300 हुआ, ये टोटल आ गया 300। तो 360 में से आप 300 घटा देंगे तो 60 डिग्री आपका हो जाएगा। अगर कोल्ड ड्रिंक का डिग्री पूछे कितना होगा तो 60 डिग्री हो जाएगा ठीक है। इन दोनों चीज को आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे ठीक है। तो ऐसे आता है पूरे का योग जो है 360 और उसका जो है वो 100% होता है ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे और सीख लेते हैं कि पाई चार्ट में क्या है, पाई चार्ट में अगर प्रतिशत में दिया है तो डिग्री में उसको कैसे बदलेंगे, और डिग्री में दिया है तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। मान लीजिए यही है, चलिए 25% आपका कुछ भी है गेहूं ले लीजिए, 20% आपका ले लीजिए चावल आप ठीक है, 10% आपका ले लीजिए दही आप, दस अंदर ही लिखिए, 10% आपका दही हो गया। और ये मान लीजिए आपका टोटल 100 होना चाहिए, 20 और ये 10 45 10 55, तो इसका सीधा सीधा आपको 45 देना पड़ेगा, 45% आपका मान लीजिए क्या हो गया
दही तो दूध ले लीजिए इसको, ठीक है, दूध हो गया। देख लीजिए ये पूरा 100 होना चाहिए प्रश्न में आपको, तो वहां पे एग्जामिनर बना के देगा, यहाँ तो मैं खुद से बना रहा हूँ इसलिए देखना पड़ रहा है। 45 और ये जोड़ लीजिए 25 कितना हो जाएगा, 45 पांच 50 20 70 और 30 हो, ठीक है, ये पूरा 100 डिग्री। अब ये प्रश्न में कभी कभी ये पूछता है, बताइए दूध का डिग्री में मान कितना होगा, ठीक है, डिग्री या कोड लिख देगा, डिग्री या कोड में मान कितना होगा, ये प्रश्न पूछा जाता है, मान कितना होगा। तो आपको क्या करना है, देखिए सीधा लिखना है 45 और टोटल परसेंट कितना होता है उसको लिख लेना है, कितना परसेंट टोटल ये होता है 100 और ये डिग्री पूरा कितना होती तो 360 यहां पे लिखना है, जितना वो परसेंट है टोटल परसेंट नीचे आएगा और जितनी डिग्री होती है वो ऊपर आएगा, ठीक है, ये कर लेंगे आप। इसके बाद आप इसको काट दीजिएगा, ये कट गया, फिर इसको आप 5 से भी काट सकते हैं, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 नौ 45 हो जाएगा, यहाँ 9 आएगा, 2 से यहाँ पे आएगा 18, 18 नवैया जो हो जाएगा 162 डिग्री आपके जो है दूध का मान हो जाएगा, समझ गए आप लोग, ठीक है। ऐसे अगर मान लीजिए गेहूं का पूछ लिया तो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे लिखेंगे गेहूं का परसेंट कितना है 25, टोटल परसेंट कितना है 100 गुणे डिग्री कितना है टोटल 360, 25 से कन 25 चौका 104 आ गया और यहां से आप 4 से काट देंगे तो 90 डिग्री, अर्थात गेहूं का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है किसमें जो है परसेंट से डिग्री में, ठीक है। अब ऐसे अगर जो है कोड दे दिया, अब आइए कोड वाला भी देख लेते हैं हम, इसको यही रख देते हैं, गेहूं चावल जो भी है वही रख देते हैं, इसको टोटल 360 रहेगा ही रहेगा, ये देख लेते हैं, इसको हम मान लीजिए कर देते हैं 90, इसको कर देते हैं आपका 45, ठीक है 90 45 और 180 कर देते हैं, इसको एक को कर देते हैं 45, 360 हो गया, 180 और 90 270 और 90, ठीक है 360 हो गया, टोटल 360 डिग्री ये होगा ही होगा, ठीक है। अब यहां से मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि मान लीजिए किसका लेते हैं, चावल का ले देते हैं, चावल का प्रतिशत में मान कितना होगा, चावल का प्रतिशत में मान कितना होगा, प्रतिशत में मान, तो आप क्या करेंगे, चावल कितना डिग्री है 45 डिग्री, टोटल डिग्री कितना होता है 360 और प्रतिशत का इसका पूरा मान कितना परसेंट होता है तो 100 यहाँ पे कर दीजिए 100 प्रतिशत, 45 से कहना 45 और 45 से कटेगा कितने बार में, 45 दूना 90 8 बार में कटेगा, ये 8 बार में ही कटेगा, हाँ 8 से आप गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 8 चौक 32 2 32 4 36, ठीक है 8 बार में जाएगा, फिर इसको आप 4 से भी काट दीजिए, 4 दुना 8 इसको काटेंगे आप 25 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो आएगा 12.5%, कितना आएगा 12.5%। तो ये टाइप जो है इसमें जानना जरूरी था, अगर आप लोग जितना अभी यहां तक हमने बताया औसत प्रतिशत अनुपात और ये पाई ग्राफ में जो चीजें हमने बताई कन्वर्ट करने वाली, और अगर कुछ गायब दिया है प्रतिशत में मान लीजिए कुछ गायब कर दिया है तो उसका कितना परसेंट होगा, तो टोटल जानते हैं आप 100% होता है, डिग्री में मान लीजिए कुछ छूट गया है उसका पूछ लिया तो डिग्री 360 से घटा देंगे, डिग्री को प्रतिशत में प्रतिशत को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं वो भी आप सीख गए, बस पाईग्राफ खत्म है, अब कुछ नहीं है पाईग्राफ में। अब प्रश्न पे आते हैं हम, देखते हैं कैसे पूछा जाता है, तो आइए हम प्रश्नों को नोट कर लेते हैं। तो पाई ग्राफ में हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट को देख लिया है, तो इस पे आधारित एक प्रश्न को हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले आइए प्रश्न को समझते हैं कि इसमें देखिए प्रश्न में क्या दिया है, ये पाई ग्राफ है और विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए लोगों का जो है प्रतिशत यहाँ पे दिखाया गया है, ये प्रतिशत में है, सारा परसेंट में है, ठीक है।
कृषि में कितने लोग लगे हैं 33.3 और सेवा में कितने लोग लगे हैं 20%, परिवहन में 10%, उद्योग में आपके 30% और व्यापार में जो है 6.7% लोग लगे हैं। और टोटल लोग जो है, ये टोटल जो है परसेंटेज में जो लगे हैं वो टोटल लोग हैं 20,000। कितने हैं? 20,000। ये प्रश्न आप में ये चार्ट के माध्यम से आपको बताया गया है। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा है उसने। पहला प्रश्न पूछा है व्यापार की तुलना में सेवा में लिप्त लोगों की संख्या कितनी है, अर्थात व्यापार और सेवा में तुलनात्मक अंतर कितना है वो देखना है। दूसरे में क्या पूछा है, सेवा में लिप्त व उद्योग में लिप्त लोगों का अनुपात क्या है। तो आइए हम एक एक प्रश्न को करते हैं, प्रश्न पढ़ने में क्यों अपना समय जो है उसमें लगाया जाए। तो आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं, उसको करते हैं। कहा है व्यापार की तुलना में सेवा में लिप्त लोगों की संख्या कितनी है। तो यहां से देखिए पहले व्यापार और जो है सेवा देख लीजिए। व्यापार कितना है 6.7% और सेवा कितना है 20%। इसमें तुलना में तुलना करना है तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए आप इसे करेंगे कि दोनों में तुलना, व्यापार व सेवा में तुलना, सेवा में तुलना। तुलना का मतलब दोनों में अंतर कितना है, एक है 20 और अगला कितना है 6.7 है, इसको घटा दीजिए और टोटल कितने लोग हैं ये प्रतिशत हो जाएगा ना। तो टोटल है 20,000। कितना है 20,000 बटे यहाँ पे 100 हो जाएगा, क्योंकि जो इतना आएगा वो टोटल 100% होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 20,000। इन दोनों का अंतर आप कर लीजिए, कितना आएगा 20 में से जो है सीधा सीधा 7 घटा लीजिए तो 13 आ जाएगा, 13.33 आ जाएगा ये संभवतः, घटा लीजिए ठीक है 20.00 और जो है 6.7 जीरो कर लीजिए, 0, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 6 गए 3 और यहाँ पे 13.3 आएगा। कितना आएगा 13.3 गुड़े आप कर देंगे यहाँ पे 20,000 और बटे में 100, तो 100 से क्या हो जाएगा 2 जीरो आपका जाएगा कट, बचेगा 200 गुड़े 13.3 जो भी आएगा यही आपका आंसर होगा ठीक है। आप बस समझिए कैसे करना चीजों को, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये लोग आप लोग कर लीजिएगा ठीक है। तो ये हो गया आपका पहले प्रश्न का आंसर ठीक है। तो ये हो गया पहले प्रश्न का आंसर। तो दूसरे प्रश्न पे आइए हम लोग चलते हैं, दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में क्या बोला है बस आप समझिए कैसे कर रहे हैं। देखिए जो अभी हमने सीखा था वही चीज है ना, कैसे प्रतिशत में बदलते हैं, कैसे क्या करते हैं ठीक है। ये हो गया पहला। देखिए आप पहले प्रश्न को ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है, कि पहले आप 20,000 का 20% निकाले ठीक है, फिर 20,000 का 7.3% निकाले, फिर दोनों का अंतर करें तो उसमें ज्यादा समय जाएगा। जब आपका यहाँ पूछा है तुलना, तुलना मतलब वही अंतर पूछ रहा है, तो 20 में से पहले 6.7 हमने घटा लिया और उसका 20 उसका जो है 20,000 का कितना है निकाल लिया, आसान हो गया वो काम ठीक है। अब आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, सेवा में लिप्त व उद्योग में लिप्त लोगों का अनुपात क्या है। सेवा में लिप्त और जो है उद्योग में लिप्त लोगों का अनुपात क्या है ठीक है। देखिए इसको अगर आप चाहें दोनों विधियों से मैं बता देता हूं, पहले लांग विधि से बता देता हूं जो फिर आप समझेंगे कि शॉर्ट विधि का महत्व क्या है। देखिए सेवा में लिप्त कितने लोग हैं, सेवा में 20% है ना, तो 20,000 का जब 20% आप निकालेंगे तो 20,000 गुणे 20 बटे में 100 कर देंगे तो ये कट जाएगा 2 जीरो और 200 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 के बाद कितना जीरो हो जाएगा 3 जीरो, तो 4,000 ये हो गए आपके किसमें, सेवा में 4,000 हो गए आपके सेवा में। और फिर किसमें पूछा है, उद्योग में, उद्योग में कितना है 30%, तो उद्योग का जब निकालेंगे 30% कितना आ जाएगा आप, आ जाएगा आपका 6,000। ध्यान दीजिएगा
6000 आएगा, करके देखिए 30% यहाँ करेंगे तो 6000 आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए पूछा सेवा में लिप्त और उद्योग में लिप्त लोगों का अनुपात, दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। 4000 अनुपात है 6000। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने पहले बताया था इसके पहले कि सेवा में व उद्योग में लिप्त तो जो पहले रहेगा उसी को करिएगा, नहीं तो पहले 6000 करें तो गया काम से, काट देंगे तो 2 × 4 2 × 3 6 2:3 आपका आ गया आंसर। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, इतना लंबा नहीं करना है, आपको कैसा करना है हम बता रहे हैं। देखिए ये जो पूरा ग्राफ बटा हुआ अपना 100% में बटा हुआ है और टोटल लोग 20000 हैं, ठीक है। तो जब ये भैया सेवा में 20% है, उद्योग में 30% है, तो सीधे 20:3 करिएगा ना, 20:30 सीधे 2:3 आंसर खत्म। ठीक, ऐसा करना है अगर ऐसा है कुछ, ठीक है, टोटल और टोटल दिया ही रहेगा, अगर ऐसे अनुपात पूछता है तो इसको नहीं करना है, समय बचाइएगा पेपर में, ठीक है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड में पूछा है कि सेवा में संलिप्त लोगों द्वारा, तीसरा प्रश्न है, सेवा में संलिप्त लोगों द्वारा कितने अंश का कोण बनता है। ठीक है, सेवा में तो सेवा कितना है 20%। अभी हमने बताया ना कोण कैसे निकालते हैं, कोण में और प्रतिशत में परिवर्तन, वही है, पूछ लिया, देख लीजिए कोण के लिए क्या करते हैं, कितना परसेंट है 20%, टोटल कितना परसेंट होता है 100%, और कोण कितना होता है टोटल 360, काट दीजिए 20×25=100, और इसको 5 से काटेंगे तो 5×7=35, 2×35=36, 5×2=10, 72% आपका आंसर हो गया तीसरे का। देखिए कोई नया चीज नहीं सीखे ना अभी तक, आप जो आधे घंटे पढ़े थे वही चीज है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न। चलिए चौथे पे आते हैं। अब चौथे में पूछा है, अब चौथा प्रश्न थोड़ा सा आपसे मेहनत कराने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है विभिन्न व्यवसाय में लगे लोगों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या का अंतर कितना है। ये जो विभिन्न व्यवसाय है, कह रहा है उसमें अधिकतम संख्या, अधिकतम किस उद्योग में लगे हैं और न्यूनतम संख्या जिस उद्योग में सबसे कम लोग लगे हैं और जो उद्योग में सबसे ज्यादा लोग लगे हैं उनका अंतर हमको बताना है। तो आपके पास आप इसको देखेंगे तो देख ही पा रहे हैं, परसेंट जिसका ज्यादा होगा उसी में ज्यादा लोग लगे हैं, तो कृषि का ही शायद सबसे ज्यादा है। हाँ, कृषि का ही सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वाला हमको मिल गया ना, देख के ही मिल जाएगा वो, उसमें कुछ नहीं करना है। सबसे ज्यादा वाला हो जाएगा आपका किसमें, कृषि में, कितना 33.3, और सबसे कम हमको बताइएगा जरा, तो सबसे कम वाला हो जाएगा आपका क्या, सबसे कम व्यापार का है, कितना है 6.7, यही है ना सबसे कम। कह रहा है अंतर उनका बताना है। अब आपके पास फिर वही दो मेथड है, आप करें चाहे इसका 20000 करके निकालें, फिर इसका निकालें, फिर दोनों को घटाएं, तो लंबी प्रक्रिया है। अंतर करना है, पहले इन दोनों का अंतर कर लीजिए, 33.3 और 6.7 घटा लीजिए, तो 13 में से 7 गए 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12 में से 6 गए 6 यहाँ पे, तो सॉरी 26.6% दोनों का अंतर आएगा, इतना परसेंट। ठीक है, अब 20000 का इतना निकाल लीजिए, 20000 × 26.6/100, 2 × 2 = 0 कट गया, 200 × 26.6 कर दीजिए आप, इसमें कर लीजिए, इसको कर देते हैं, देखिए 0 × 0 = 2 बढ़ गया, 2 से सीधा गुणा, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12 = 13 और 2 × 2 = 5, कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद, तो यहाँ लगा दीजिए, तो 5320 लोगों का अधिकतम और न्यूनतम संख्या आएगी, जो कि उन उद्योगों में सबसे अधिकतम में जो लगे हैं और सबसे न्यूनतम में लोगों का अंतर ये है, एक ये है, इससे आपका आसान होगा। आप पहले नहीं तो 33.3 का 20000 करके निकालेंगे, फिर उसका निकालेंगे, फिर घटाएंगे, तो ज्यादा समय जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाई ग्राफ। अब हम अगला ग्राफ देखने वाले हैं, दंड ग्राफ, तो उसके जो प्रश्नों को नोट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है अभी तक हमने पाई ग्राफ को देख लिया है, ये उसका सेकंड टाइप है, क्या है, दंड ग्राफ। तो दंड ग्राफ का ये प्रश्न हमने नोट किया है, इसको हम लोग पहले प्रश्न को समझते हैं क्या दिया है।
देखिए ये है आपका फिगर जिसमें आपका जो है 100-200 ऐसे बना हुआ है। ये क्या है, टेबल फैन का उत्पादन एक दिन में कितना होता है, ये आपका इधर दिया हुआ है। ये नीचे है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, संडे को छुट्टी रहता है, ठीक है। तो ये आपका 2, 2, 4, 6 दिन दिया हुआ है, 6 दिन में अलग अलग दिनों में कितना टेबल फैन उस कंपनी में बनता है ये पूछा गया है। देख रहे हैं मंडे 260 है, ट्यूसडे का इतना है, फिर ऐसे अलग अलग उसके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, इसमें एक टाइप का ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा टेबल उत्पादन किस दिन होता है, आप कैसे बता देंगे सबसे ज्यादा किस दिन हुआ है बताइए देख के। तो मंडे और ये कौन सा है, ये ट्यूसडे, ट्यूसडे मतलब मंगलवार को सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अगर हम पूछें तो किस दिन सबसे कम हुआ है, तो आप बताएंगे ये थर्सडे को 120 हुआ है। अब दोनों का अंतर पूछे तो दोनों को घटा दीजिए, एक ये पूछा जाता है। एक ये पूछेगा कि सप्ताह के ये 6 दिन में कितना औसत उत्पादन हुआ, सप्ताह के ये जितने दिन हुआ है उसमें औसत उत्पादन कितना हुआ है। तो अगर औसत पूछे तो क्या करेंगे आप, औसत उत्पादन, तो औसत उत्पादन के लिए भी हमने बताया था ना कि औसत कैसे निकालते हैं। औसत निकालने के लिए सारा जोड़ लीजिए और जितना जो है पदों का योग बटे में पदों की संख्या, पदों का योग है 260 प्लस 540 प्लस 360 प्लस 120 प्लस 200, ठीक है, और प्लस 320, जोड़ लीजिए 540 और 260 कितना हो जाएगा, 5, 1, 6, 2, 800, 8, 3, 1160, 11, 1, 1280, 1200, 2, 1480, 1480, 20, 15, 3, 1800 कितना हो गया, ये उसका योग आ रहा है आपका 1800, ठीक है, आ जाएगा योग कितना 1800 बटे में, ये जब जोड़ेंगे पूरा 1800 आएगा, बटे में पदों की संख्या कितने दिन है 6, तो औसत आपका कितना आ जाएगा 1800 बटे 6 बराबर आ जाएगा औसत बराबर 300, तो औसत उत्पादन कितना हो गया 300, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, ठीक है। तो औसत उत्पादन आपका हो गया 300, ठीक है, तो औसत उत्पादन आपका कितना आ गया 300 आ गया। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं औसत अभी, क्योंकि आगे वाले प्रश्न में काम आएगा। तो औसत आपका हो गया औसत उत्पादन 300, तो ये प्रश्न भी पूछा जाता, देख रहे हैं अभी तक जितना हम लोगों ने सीखा उससे नया कुछ नहीं पूछा जाता इसमें। अब आइए प्रश्न एक पे आते हैं, पूछा है सोमवार से बुधवार तक टेबल फैन के कुल उत्पादन, सोमवार से कहां तक, बुधवार तक कुल उत्पादन, और गुरुवार से शनिवार तक कुल उत्पादन का अनुपात पूछ लिया है। अर्थात ये सोमवार से बुधवार इतना और गुरुवार से शनिवार, ये 3 दिन के जो है सोमवार से बुधवार तक टेबल फैनों के कुल उत्पादन और गुरुवार से शनिवार तक कुल उत्पादन का अनुपात क्या है। तो देख लीजिए सोमवार से बुधवार तक कितना हुआ है, अलग अलग निकाल लीजिए, सोम से बुधवार तक कितना होगा उसको जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा 260 प्लस 540 प्लस 360, ये की हो जाएगा। और दूसरा कितना है, गुरुवार से शनिवार, गुरुवार से शनिवार कितना हो जाएगा उसको जोड़ लीजिए, 120 प्लस 200 प्लस 320, दोनों को अलग अलग जोड़ लीजिए, देखिए तो ये जाएगा 6, 2, 800 ये हो गया, 8, 3, 1160 ये हो गया, 5, 1, 6, 2, 8, 3, 1160, हाँ अब इसको जोड़ लीजिए, देखिए 100, 200 और 300, 320 और 320, 3, 3, 640, तो दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, 1160 अनुपात है 640, देख लीजिए कट जाएगा, एक कट गया, 4 से कटेगा, 4, 2, 8, 8, 3, 11, 4, 9, 36, 4 से इसको काटेंगे
तो चार एकदम चार और चार छक 24, 29 अनुपात है 16 उन दोनों का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अनुपात। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछेगा, अगले प्रश्न में पूछा हुआ है, अच्छा इसी पहले प्रश्न में एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे इसमें दिया है सोमवार से बुधवार तक टेबल फैनों के कुल उत्पादन और गुरुवार से शनिवार तक टेबल फैनों के कुल अनुपात कुल उत्पादन का अनुपात कितना है, ये एक प्रश्न ये है। अगर इसी में ये पूछ ले कि सोमवार से बुधवार तक टेबल फैनों के औसत उत्पादन और गुरुवार से शनिवार तक के टेबल फैनों के औसत उत्पादन का अनुपात कितना है, आंसर सेम आएगा, करके देखिएगा, बताते हैं क्यों सेम आएगा। देखिए, जब करेंगे सोमवार से मंडे से बुधवार वेडनेसडे तक कितना करेंगे आप, 260 समझ लीजिए, क्योंकि प्रश्न ऐसे पूछा गया है, 260 प्लस 540 प्लस 360 बटे में तीन, औसत के लिए ना जितना है उतना बटे तीन कहते हैं। ठीक है, तो इसको जब जोड़ के उसको तीन से भाग कर देंगे तो उसका औसत निकलेगा, ये सोमवार से बुधवार। ऐसे आप क्या करेंगे, गुरुवार से शनिवार के लिए भी जब निकालेंगे तो उन तीनों को जोड़ देंगे, कितना 120 प्लस 200 और प्लस 320 बटे में तीन। तो आप देख रहे हैं जब अनुपात हम करते हैं, मान लीजिए इसका वैल्यू कुछ भी आता, शायद 1160 आया था, हमें एग्जैक्ट याद नहीं है, और ये इसका 600 कुछ आया था संभवतः, मान लो 640 आया था। जब यहाँ बटे तीन करेंगे, बटे तीन अनुपात में आप जानते हैं कि 1160 बटे में तीन यहाँ करेंगे, यहाँ रेशियो करेंगे 640 बटे में तीन, ये तीन तीन अपने आप कट जाएगा। ठीक है, तो औसत का पूछे, लेकिन अगर लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो दिन है वो बराबर होने चाहिए, डिजिट दोनों तरफ सेम होने चाहिए, अगर सेम नहीं हुए तब फिर औसत में अंतर आएगा, फिर औसत आपको निकालना ही पड़ेगा, तो वो प्रश्न अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी पूछा जाता है टाइप में। चलिए अब लास्ट प्रश्न पे आते हैं, इस पे लास्ट में आते हैं, इसमें क्या पूछा है, कह रहा है सोमवार और मंगलवार को टेबल फैनों का औसत उत्पादन उस सप्ताह के टेबल फैन के औसत उत्पादन से कितना अधिक है। कह रहा है कि सोमवार और मंगलवार के टेबल फैन का औसत उत्पादन, तो देख लीजिए सोमवार और मंगलवार का औसत उत्पादन निकाल लीजिए, सोमवार व मंगल का औसत उत्पादन, मंगल औसत लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा क्या हम निकालना चाह रहे हैं, औसत उत्पादन बराबर कितना हो जाएगा, 260 प्लस 540, नीचे भाग किससे करना पड़ेगा, जब दो दिन का निकाल रहे हैं तो दो से ही भाग करना पड़ेगा, कर दीजिए, जोड़ेंगे तो 800 आ जाएगा, 800 बटे में दो बराबर 400, औसत उत्पादन सोमवार और मंगलवार का कितना गया 400, उस सप्ताह के टेबल फैन के औसत उत्पादन से कितना अधिक है। तो अभी हमने निकाला था सप्ताह का औसत उत्पादन, ये क्या है, पूरे सप्ताह का औसत उत्पादन है, कितना है 300, तो ये वैल्यू 400 है, 300 से कितना ज्यादा है, तो घटा दीजिए सीधा सीधा 100 आ जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। अगर ये पूछ ले कि सोमवार और मंगलवार का टेबल का औसत उत्पादन उस सप्ताह के टेबल उत्पादन टेबल फैन के औसत उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है, यहाँ पे कितना अधिक लिखा है, अगर ये पूछ ले कि कितना प्रतिशत अधिक, कौन अधिक है, जो है सोमवार मंगलवार का औसत उत्पादन कितना अधिक है, तो अगर परसेंट में पूछेगा प्रतिशत में तो कितना हो जाएगा, कितना ज्यादा है 100, किससे ज्यादा है 100, सप्ताह से 300 नीचे आएगा गुणे 100 हो जाएगा, ये काट देंगे कितना आएगा 33 सही 1/3% औसत उत्पादन जो है अधिक है सप्ताह से, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अगर इसमें इसी में अगर ये पूछ ले कि औसत उत्पादन सोमवार और मंगलवार के औसत उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है सप्ताह का औसत उत्पादन, तब क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा इसी में, अब प्रश्न आप लोग हम नहीं लिख रहे हैं लेकिन सोचिए बता दे रहे हैं, अगर इसमें ये पूछ ले कि
कि पूरे सप्ताह का औसत उत्पादन सोमवार और मंगलवार के औसत उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है। तो कम है, ध्यान दे रहे हैं, औसत उत्पादन देख रहे हैं ना, औसत उत्पादन कितना है 300 है, और सोमवार और मंगलवार का औसत उत्पादन कितना है 400 है, ये इससे कम कितना है, ठीक है, कितना कम है ये, तो 100 कम है। और लेकिन अब हमको तुलना किससे करना है, सोमवार और मंगलवार से करना है औसत उत्पादन से, तो 400 नीचे आएगा, ध्यान रखिएगा, गुणे 100 होगा, जिससे बोलेगा सोमवार जिसका से लगेगा वो नीचे आएगा, जिसके साथ का लगेगा वो नीचे आएगा, अभी हमने बताया था आपको कॉन्सेप्ट में, ठीक है, तब उसका आंसर कुछ और हो जाएगा, तो 25% आ जाएगा, ये जो है इससे 25% कम है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका दंड ग्राफ, इस पे आधारित प्रश्न हम आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे, आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है, जितने टाइप हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पाई चार्ट और जो है दंड ग्राफ जो है दोनों को देख लिया है, और ये तीसरा टाइप का है जो कि है लाइन ग्राफ। क्या है? लाइन ग्राफ। यहां से ये टाइप थ्री है, इसके बाद जो है हमारा क्या है, हमारा अपना जो है ग्राफ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, 10 नंबर आपके हाथ में है, ठीक है। तो ये लाइन ग्राफ जो हमने प्रश्न लिया हुआ है, ये प्रश्न जो है इसमें आया हुआ था, ये प्रश्न आपका आया हुआ था पेट जो है, जो पिछली बार हुआ था पेट 2021 के शिफ्ट वन में फर्स्ट में आया हुआ था, यही सेम प्रश्न आया हुआ था। बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई तो वहां पे बहुत सारे लोग इन प्रश्नों को समझ नहीं पाए, इसमें कुछ था नहीं, ऐसा नहीं कि वो हल नहीं कर सकते थे, लेकिन इसको समझ नहीं पाए। तो हम पहले देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न है इतिहास व भूगोल का ये अनुपात दे रखा है, ठीक है, इतिहास और भूगोल का ये क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है, और क्लास 7 के बच्चों का ये है, और ये 1 2 3 4 5 6 क्या है, ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम है, समझ लो ये वाला जो है, मान लो कोई स्टूडेंट 1 है, उसका नाम ही 1 है, वो इतिहास और भूगोल में जितना नंबर पाया था उसका औसत क्या बन गया, उसका जो है अनुपात जो निकाला गया, तो जब आया वो कितना आया, वो आपका आया 6.065। सेकंड वाले का जब ऐसे किया गया कितना आया 0.85, थर्ड वाले का किया गया तो आया 0.35, जब फोर वाले का किया गया, फोर वाले का 1.25 आया, फाइव वाले का जब किया गया तो 1.4 आया, और ऐसे जब सिक्स वाले का किया गया 0.95 आया, और सेवन वाले का जब किया गया तो 1.55 आया। ऐसा उसने हमने अभी नहीं कुछ किया, ये प्रश्न में ही दे रखा था, ठीक है। अब देखिए, अब वो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, इसको देखिए, पहले प्रश्न में पूछा उसने कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षाकृत इतिहास में ज्यादा अंक पाए। अब कैसे निकालेंगे, ये तो अनुपात दे रखा है, इसी में राज छुपा हुआ है। देखिए किसका अनुपात है, ये इतिहास अनुपाते क्या है भूगोल, इतिहास अनुपाते भूगोल, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं उसको बताइएगा। इतिहास अनुपाते भूगोल का पहले वाला कितना पाया 0.65, ये 0.65 कब आएगा, ध्यान रखिएगा एक चीज, हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए और बी दो लोग हैं, अगर ए 20 है और बी 10 है, कितना आया 2 आया, ए अनुपात बी निकालते हैं, बी 30 है और सॉरी ए 30 है बी 50 है, कितना आएगा 0.65। इसको और इसको देख के कुछ समझ पा रहे हैं, अगर नीचे वाली वैल्यू कम है तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी, अगर ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है सॉरी नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है तो उनका रेशियो कितने आएगा, 1 से कम आएगा, अगर एक नीचे वाला ज्यादा है तो उसका जो है अनुपात कम आएगा, अगर नीचे वाला कम है तो अनुपात 1 से ज्यादा आएगा, 1 से ज्यादा कब आएगा, 1 से कम आएगा, समझ लिए, जब जो है नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाले वैल्यू से
कम होगी तब एक से ज्यादा उसका रेशियो आएगा, जब नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से ज्यादा होगी तो उसका अनुपात जो है कम आएगा। समझ चुके होंगे। अब देखिए, अब बस इतना ही इसमें कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं था इसमें। अब देखिए हम पहले पे आते हैं, पहले पे आते हैं, पहले में देखिए 0.65 एक से कम है कि ज्यादा है। कम है अर्थात भूगोल वाली वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी, अर्थात भूगोल का जो अंक होगा इतिहास से यहाँ पे ज्यादा होगा पहले वाले में, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं या तो एक काम और भी कर सकते हैं, वो भी नहीं ध्यान रखना है, कुछ नहीं करिए। देखिए इतिहास भूगोल का रेशियो दिया, वो लंबा थोड़ा पड़ेगा, लेकिन 0.65 इसको हटा दीजिए, इसको दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 100 कर देंगे आप। अब ये हो गया 65/100 हो गया ना, इतिहास का नंबर कितना हो गया इसमें 65 हो गया, भूगोल का कितना नंबर हो गया 100। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट में आपको अलग अलग करके देखना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा। आप सीधा सीधा जानिए, अगर नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है तो ऊपर जब उनका रेशियो करेंगे हम तो कम आएगा, एक से कम आएगा। तब देखिए कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा के इतिहास में ज्यादा अंक पाए, तो इतिहास में ज्यादा अंक तब मिलेगा जब नीचे वाली वैल्यू कम होगी, अर्थात भूगोल का अंक क्या होगा, भूगोल जो है भूगोल आपका कम होगा, ठीक है। भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक पाए हैं तो अर्थात भूगोल कम पाए होंगे अपेक्षाकृत इतिहास में, तो जो वैल्यू एक से यहाँ पे ज्यादा होगी, एक से जो भी वैल्यू ज्यादा होगी उसमें भूगोल की अपेक्षाकृत इतिहास में ज्यादा नंबर होगा। तो कहाँ कहाँ पे है देख लीजिए, एक यहाँ पे है, ठीक है, एक कौन वाला है, एक चौथा है, एक पांचवा है, एक जो है सातवां है। तो चौथा कितने पूछा है तो 3 हो गए, कौन कौन, चौथा पांचवा और सातवां, 3 आ गया इसका आंसर। कितने छात्र पाए तो 3 छात्र, ठीक है। समझ चुके हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इतिहास भूगोल का अलग अलग पूरा निकालना पड़ेगा आपको, फिर देखना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे अगर समझ गए होंगे तो एक मिनट में आपका ये पहला क्वेश्चन आ गया। दूसरे में आइए, दूसरे में भी वही कॉन्सेप्ट है, कितने छात्रों को भूगोल की अपेक्षाकृत इतिहास में कम नंबर मिले, इतिहास में कम नंबर मिले, अर्थात भूगोल वाली वैल्यू आपकी ज्यादा चाहिए, तो भूगोल वाली जब वैल्यू कम ज्यादा चाहिए तो उनका जो है रेशियो एक से कम आएगा, आपकी कम वाला लेना है तो कम वाले कितना है ये देख लीजिए, समझिए कितने छात्रों को भूगोल की अपेक्षाकृत इतिहास में कम नंबर मिले। देखिए पहले हम फिर से इसको बता देते हैं, एक बार इसमें समझ सकते हैं, इसको थोड़ा समय देके समझाने की जरूरत है। पहले क्या है, पहले इतिहास है, ये दिया हुआ है प्रश्न में, इसको ध्यान रखिएगा, अगर उल्टा हुआ तो गलत हो जाएगा। इतिहास और भूगोल का रेशियो है, अब प्रश्न में क्या पूछा है, कितने छात्रों को भूगोल की अपेक्षाकृत इतिहास में कम नंबर मिले। अगर ये ऊपर वाली वैल्यू 20 है मान लीजिए कम है और भूगोल वाला 30 है, तभी तो ये पॉइंट में आएगा, तभी किसमें आ जाएगा, पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में एक से कम आएगा, तो जहां पे एक एक से कम आ रहा है उतने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक पाए, समझ गए होंगे। तो ये हो गया आपका 0.65 एक यहाँ पे हो गया, स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3 और इसके बाद एक से कम वैल्यू स्टूडेंट नंबर 6। तो ये 4 स्टूडेंट हैं जो कि भूगोल में अच्छा अंक पाए हैं इतिहास की अपेक्षा करें, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए तीसरा प्रश्न में क्या पूछा है, तीसरे प्रश्न में भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य की औसत बढ़त कितना है, भूगोल में छात्र 3 से, तीसरा नंबर छात्र ये है, चौथा नंबर ये है, कि औसत बढ़त क्या है। इस वाले प्रश्न में क्या हुआ था, इस वाले प्रश्न में जो है नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन दिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे इतिहास और भूगोल का जो है अलग अलग नंबर नहीं बताया हुआ है और ना ही यहाँ पे कोई जो है उसने लिंक दिया हुआ था जिससे हम निकाल सके, तो उसमें जो है आंसर क्या सही था, आंकड़े अपर्याप्त है, ठीक है, इसमें नहीं आप निकाल सकते कि छात्र 3 से 4 के मध्य की औसत बढ़त क्या है, वो भी भूगोल में। औसत अगर अनुपातिक पूछता तो हम निकाल देते अनुपातिक बढ़त क्या है,
देख रहे हैं, 3 में 35 था और 4 में 1.25 है, तब कितनी बढ़त हुई हम निकाल सकते थे, लेकिन अब भूगोल का पर्टिकुलर पूछा है तो हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये आते हैं चौथे में, इतिहास अनुपाते भूगोल के अधिकतम और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है। हलुआ सवाल है, इतिहास और भूगोल का अधिकतम और न्यूनतम अनुपात का अंतर, तो इतिहास के अधिकतम और इतिहास और भूगोल का अनुपात दिया ही है, अधिकतम वाला देख लीजिए, अधिकतम वाला कौन सा है 1.55 और न्यूनतम वाला कौन है 3.0.35, घटा दीजिए। प्रश्न नंबर 4 में क्या हो जाएगा, 1.55 माइनस 0.35 घटा दीजिए, 1.20 आ जाएगा। ठीक है, चौथा हो गया। अब आइए पांचवे वाले प्रश्न पे। पांचवे प्रश्न में क्या पूछा है उसने, पांचवे प्रश्न में पूछ रहा है छात्र क्या है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिला तो इतिहास में कितना मिला। अच्छा प्रश्न है, देखिए पहले छात्र 4 वाला देखिए कहाँ पे है, ये है, और उसका भूगोल इतिहास और भूगोल का रेशियो कितना है 1.25। देखिए सीधा सीधा लिखिए यहाँ, इतिहास अनुपाते भूगोल किसका, स्टूडेंट नंबर 4 का, कितना है भैया 1.25। कह रहा है, ये तो दिया है प्रश्न में, कह रहा छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, ये इतिहास को अगर हम x मान लेते हैं, x अंक का पाया, और भूगोल में बता रहा है कि उसने 60 पाया, तो कह रहा है इतिहास में कितना पाया, दोनों का रेशियो हमको पता है, दोनों बराबर कर दीजिए 1.25 के, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा 1.25 × 60, गुणा कर दीजिए 0, 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12, 3 = 15, 6 × 6 = 7। ठीक है, हाँ इतना हो गया, और कितने अंक के बाद जो है दशमलव लगा, यहाँ पे 2 अंक लगा दीजिए, 75 हो गया। ये 75 किसने पाया है, वो इतिहास में पाया है। ठीक है, अगर इसको क्रॉस चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, देखिए इतिहास में उसने पाया 75 और प्रश्न में कहा है उसने भूगोल में पाया 60, दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, इतिहास रहेगा ऊपर, भूगोल रहेगा 60 नीचे, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, तो 1.25 आ रहा है, अर्थात हम जो निकाले हैं वो सही है। ठीक है, तो ये होता है लाइन ग्राफ। पिछली बार ये प्रश्न पूछा गया था और सबसे हार्ड प्रश्न ये माना जाता है पिछली बार का, इससे आसान ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब कैसे प्रश्नों को करना है आप सीख गए हैं, कुछ नहीं है डीआई में, डीआई में कुछ भी नहीं है, बस आपको जोड़ घटाओ और अनुपात प्रतिशत ये सब चीजें औसत ये पता होना चाहिए, और प्रश्न को पढ़ करके समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि प्रश्न पूछ क्या रहा है एक्चुअली में, बाकी जोड़ घटाओ गुणा भाग सब कर लेंगे ना। तो आप लोग जितना ये वीडियो आप देखे हैं, इसको आप लोग ना समझ में आए एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि 10 नंबर की बात है, और ये वीडियो अभी जो है ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का वीडियो है, इसको आप देख लीजिएगा ग्राफ वाला, तालिका वाला वीडियो हम अलग से डालेंगे, इसको आप 2 बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार देख लीजिएगा, लेकिन देख जरूर लीजिएगा। रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए हम जो है प्रश्न कुछ डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग प्रैक्टिस कर ले सकते हैं वहां से भी, अगर आपके पास कोई बुक है तो वहां से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, टेलीग्राम में हम इसका जो है PDF जो है डलवा देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है मित्रों, तो फ्रेंड्स जो ग्राफ वाला सेक्शन था उसको हमने देख लिया है, ग्राफ में कितने टाइप के ग्राफ होते हैं सबसे पहले हमने उसको देखा था, क्या था वो चीजें, जिसमें पाई ग्राफ था, दंड ग्राफ था, और आपका जो है लाइन ग्राफ था, ये तीनों ग्राफ हमने देख लिया है, उस पे आधारित प्रश्नों को भी हमने किया, उसमें क्या क्या जरूरी चीजें हैं, जो स्टार्टिंग का आधा घंटा ही आपके DI को मजबूत कर देता है। ठीक है, तो उसको हमने देख लिया है, उसमें अब एक टाइप और बचता है जो कि तालिका का है, यहां से 2 तालिका दे के आपसे जो है 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो तालिका और ग्राफ में जो भी ग्राफ में अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगता है, इसमें भी औसत प्रतिशत अनुपात यही सब चीजें पूछी जाती हैं।
तो आइए इसको भी हम प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, और जिससे आप ये सब इतनी चीजें कर लेंगे तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाएगा, और कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस के बाद आप जो है आप 20 में 20 अंक जो है प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। तो आइए हम प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या है, ये छात्र दिया है, छात्र का मतलब मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये नंबर आप छात्र नहीं है, ये छात्रों के नाम है, जैसे राम श्याम मोहन राधे या कुछ भी ले सकते हैं आप ना, तो ये नाम है, ये छात्र हैं, ये उनके सब्जेक्ट है अंग्रेजी मैथ विज्ञान और हिंदी, ये चार सब्जेक्ट हैं, और छात्र एक ने अंग्रेजी में 87 नंबर ऐसे ऐसे प्राप्त किया है। तो आप समझ गए इस प्रश्न में क्या है, इधर जो है छात्र दिए हैं, छात्र का मतलब राम श्याम का है 1 2 से, और ये उनके अंक हैं। अब आइए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है, किस विषय में सभी छात्रों का कुल अंक अधिकतम है, किस विषय में सभी छात्रों ने मिला के अधिकतम अंक प्राप्त किए। तो ये जो है सभी छात्र हैं अंग्रेजी के मैथ के साइंस के और हिंदी के, ठीक है, और ये उनके अंक हैं, तो देख के तो हम नहीं बता सकते हैं, ग्राफ में अभी तक क्या था, हम देख के या कुछ करके बहुत आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पूछा किस विषय में सभी छात्र ने अधिकतम अंक प्राप्त किए, तो सारे जो विषयों को अलग अलग जोड़ना पड़ेगा हमको, फिर देखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में सभी छात्रों ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। तो एक एक सब्जेक्ट को यहाँ पे जोड़ते हैं, सबसे पहले हम अंग्रेजी का ले लेते हैं, अंग्रेजी का, ठीक है, तो अंग्रेजी का आइए देखते हैं, अंग्रेजी में छात्र एक कितना पाया, 87 पा गया है, एक छात्र कितना पाया है, 74 पाया है, दूसरे ने 89 पाया है, ठीक है, तीसरा वाला 62 पाया है, और चौथ पांचवा वाला जो है 1 2 3 4 5 95 पाया, ये किसका है, अंग्रेजी का। ऐसे आपको अलग अलग चारों सब्जेक्ट का निकालना पड़ेगा, मैथ का, ठीक है, और फिर किसका है, साइंस का है, और फिर किसका है, हिंदी का है, ठीक है। तो आइए पहले अंग्रेजी वाला ही जोड़ लेते हैं, फिर एक एक करके जोड़ेंगे, 7 4 11 11 9 20 22 5 27, ठीक है, हासिल बचा 2 8 7 15 15 8 आपका हो जाएगा 23 23 6 29, और 29 9 हो जाएगा 38 2 40, तो 407 अंक जो है सभी छात्रों ने इसमें पाए। अगले में आएंगे आप 96 99 99 89 और 92, फिर इसको जोड़ लीजिए 9 6 15 15 9 आपका हो जाए 24 24 9 आपका 33 2 35, यहाँ पे कितना बचा 3 9 9 18 9 3 27 9 4 36 36 और 8 44 3 हो जाएगा 47, 475। अगले में आइए 90 94 99 96 और 92, इसको भी जोड़ लीजिए 9 4 13 6 19 2 21 के एक हाथ लगा 2, ठीक है, 9 9 18 9 27 9 9 सब है 1 2 3 4 5 9 5 45 और 2 47, 471। हिंदी में आइए 89 81 92 91 और 86, इसको भी जोड़ दीजिए 9 1 10 2 12 13 6 19, यहाँ पे एक बचता है 8 8 16 9 25 25 9 34 34 और 8 कितना हो जाएगा आपका 34 8 42 और 1 जो हो जाएगा 43। तो ये हो गए अलग अलग विषयों में सभी छात्रों का कुल अंक, तो देख लीजिए किसमें ज्यादा है, मैथ में सबसे ज्यादा अंक है, कितने है 475। तो ये हो गए आपके पहले प्रश्न का उत्तर, हो गया आपका किसमें, मैथ में, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं, दूसरे प्रश्न में क्या पूछा है, दूसरे प्रश्न पूछा है किस छात्र ने सभी चार विषयों में
मिलाकर अधिकतम अंक प्राप्त किए। अब देखिए छात्र एक का सारा अंक देखना पड़ेगा सभी विषयों का, अब की तक इधर इधर जोड़े थे अब इधर जोड़ना पड़ेगा ना, छात्र अलग अलग छात्र का पूछा है। मान लीजिए छात्र एक का नाम राम है, अभी पूछ रहा है राम श्याम मोहन जो है सुनीता रीता में से किसने सारों विषयों में अधिकतम अंक प्राप्त किए, तो सबका अंक जोड़ना पड़ेगा ना। तो मान लीजिए छात्र वन का आप जोड़िए, छात्र वन का जोड़ेंगे तो कितना होगा 87 74 9 उधर से जोड़ना पड़ेगा 87 96। ये तो नहीं तो छात्र एक छात्र दो के अंग्रेजी वाला ही जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं करना है। सभी छात्र के छात्र ने सभी चार विषयों में, तो कौन सा हो जाएगा 87 96 90 और 81। ये किसका है, छात्र एक का है, छात्र एक का। ऐसे छात्र दो का आप निकालेंगे तो छात्र एक का पहले हम निकालते हैं तो 7 1 8 हो गया। अब यहाँ पे जोड़िए 9 8 17 9 26 और 26 और 8 कितना हो जाएगा आपका 34। 348 नंबर ए ने छात्र एक ने पाया है। दो वाले का जोड़िए 74 99 87 90 90 87, ये 90 नहीं है ये 96 है, तो 96 जब होगा तो 6 यहाँ बढ़ जाएगा 48 6 54 हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा 90 90 हो गया था, ये 87 96 90 81 था। अब दूसरे में आएगी 74 99 94 और 89, इसको जोड़िए 9 4 13 13 4 17 17 9 हो जाएगा 26, 2 बचा 9 7 16 16 9 25 25 और 8 33 33 और 2 35 हो जाएगा, ठीक है। ये दो वाले का होगा। तीसरे में आइए 89 99 99 और 92, इसको जोड़ लीजिए 9 9 18 9 27 2 29 2 बचा 9 8 17 17 और 9 26 26 9 35 2 37, 379 हो गया। एक इसका थर्ड वाले का हुआ। अभी फोर्थ में आइए आप, इसका 62 89 और 96 और 91, इसको आप जोड़िए 9 2 11 6 17 1 18 8 6 14 14 और 9 14 9 हो जाएगा 23 23 और 9 23 9 हो जाएगा आपका 32 32 और 1 33, एक ही बचा था ना 9 2 11 6 17 1 18, 338 हो गया। अब लास्ट वाला बचेगा 95 92 92 और 86, इसको जोड़ लीजिए 5 2 7 2 9 9 6 15, आप हासिल बचा एक यहाँ पे 9 9 18 9 27 27 8 कितना हो गया 27 8 आपका हो जाता है 35 1 36। तो ये हो गए आपके पांचों स्टूडेंट, एक स्टूडेंट 2 3 4 और 5, ये हो गए उनके अंकों का योग। तो देखिए सबसे ज्यादा किसने प्राप्त किया है, एक वाला 354 पाया है, दूसरा 356, एक 389 पाया है, ठीक है, तीसरे वाले ने, चौथे 338। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट नंबर जो 3 है वो सबसे ज्यादा अंक पाया है, कितना पाया है 379 अंक प्राप्त किया उसने। तो ये हो गए आपके दूसरे प्रश्न का, ऐसे उत्तर निकालना पड़ेगा। तालिका जो होता है थोड़ा सा समय आपका लेता है प्रश्न में, लेकिन अब पूछा जाएगा और हमको 10 अंक दिला के जाएगा तो हमको तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। अब देखिए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। अंग्रेजी में प्रति छात्र औसत अंक, हिंदी में प्रति छात्र औसत अंक का कितना प्रतिशत है? तो अब क्या करना पड़ेगा आपका, अंग्रेजी में अंग्रेजी के सभी विषयों को सभी छात्रों के अंकों को जोड़ के उनका औसत निकालना पड़ेगा, और हिंदी में भी ऐसा करना पड़ेगा। पहले प्रश्न में हमने निकाला था, वहां पे नोट किए होते तो आसानी होती, लेकिन ठीक है फिर से कर लेते हैं। अंग्रेजी वाला जोड़ लीजिए, इंग्लिश का यही है ना, इंग्लिश का हो गया 87 74 89 65 और 95,
इसको जोड़ के फिर उसको जो है पांच भाग कर देंगे तो औसत आ जाएगा। ये किसका है? इंग्लिश का है। चलिए देखते हैं, 7 4 11 9 20 20 7 27 दो बचा, 8 7 15 15 8 जो हो गया कितना हो गया, 15 8 23 6 29 29 9 38 38 2 40 407। 7 4 11 9 11 9 20 7 27 2 5 9 6 15 8 15 8 हो गया आपका 23 23 7 30 8 38 2 40 ठीक है। अंग्रेजी वाला हो गया, हिंदी का निकाल लीजिए आप, हिंदी का देख लीजिए, हिंदी का कितना हो गया, 81 89 92 91 और 86 इसको जोड़ लीजिए आप, 9 1 10 12 13 6 19 बचा 1। अब देखिए 8 8 16 9 25 25 9 34 34 और 8 42 34 8 42 हाँ और 1 43 तो ये हो गया 439। इसका औसत निकालना है, औसत के लिए पदों का योग तो हमने कर लिया, पदों की संख्या 1 2 3 4 और 5, 5 से इसको भाग कर दीजिए तो आपका औसत कितना हो जाएगा, 8 5 40 8 9 8 अरे सॉरी 5 5 5 2 7 5 24 तो 81.4 इसका आ गया। इसको 5 से भाग करेंगे तब कितना आएगा, 5 8 40 3 43 39 बचा और 5 7 35 35 4 39 5 8 40 87.8 इसका होगा गया। ये इंग्लिश का हो गया, ये हिंदी का हो गया, ये हो गया। तो इतने को हम जो है हटा लेते हैं, केवल जो है इसका जो आया है औसत उसको नोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे प्रश्न को और करना है उसको समझा के करते हुए चलते हैं। चलिए देखते हैं, अंग्रेजी का लिखिए, इंग्लिश का औसत, इंग्लिश का औसत लिखिए यहाँ पे, नोट करते हैं इसको कितना आया है, 81.4। वैसे हिंदी का, हिंदी का कितना आया है, हिंदी का आया है आपका 87.8, ठीक है। अब नीचे वाला भी हटा देते हैं। चलिए तो ये हो गया अंग्रेजी और हिंदी का औसत, ठीक है। अब देखें प्रश्न में, अब एक्चुअली पूछ क्या रहा है, अंग्रेजी में प्रति छात्र औसत अंक, हिंदी में प्रति छात्र औसत अंक का कितना प्रतिशत है, अंग्रेजी वाला जो है हिंदी का कितना परसेंट है, सीधा सीधा है। अभी हमने जब इसका कॉन्सेप्ट बताया था, हमने बताया ए और बी वाला, याद करिएगा, ए बी का कितना परसेंट है, ए बी से कितना परसेंट कम है, ए बी से कितना कम है, हमने ये आपको बताया। और उसमें ये भी बताया था कि कौन नीचे आएगा कौन ऊपर आएगा, हमने बताया जिसके साथ का जुड़ा रहेगा वो नीचे आएगा, जिसके साथ से जुड़ा रहेगा वो नीचे आएगा। तो आप देखिए अंग्रेजी में प्रति छात्र औसत अंक, हिंदी में प्रति छात्र औसत अंक का, तो का किसके साथ जुड़ा हुआ है, हिंदी के साथ, तो हिंदी वाला यहां नीचे आएगा। अंग्रेजी में प्रति छात्र औसत अंक कितना है, 81.4। हिंदी में प्रति छात्र औसत अंक का कितना प्रतिशत है, तो हिंदी में कितना पाया है, 87.8 इंटू कर देंगे आप 100, इसको हल कर लेंगे तो हो जाएगा। देखिए दशमलव दोनों जगहों पे सेम है तो हटा दीजिए, दशमलव हट गया, 4 से काटिए, ठीक है, 4 2 8 हो जाएगा, 4 0 0 हो जाएगा और बचेगा हो जाएगा 14, इसके बाद 4 3 12 2 14 हो जाएगा और 4 5 20 हो जाएगा, इतना हो गया। फिर 4 से आप इसको काटेंगे, 4 2 8 4 1 9 4 3 7, 4 से ये नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा क्योंकि 78 4 से नहीं कटेगा, इसको जो है आप 2 से काट लीजिए, 2 से काटिए इसको और कैलकुलेशन करते हैं। चलिए पहले इसको तो दशमलव हमने हटा दिया है, अब ये हो गया 484 414 478, ठीक है, तो 2 से काटिए इसको, 2 से 2 9 2 4 8 हो जाएगा, 2 4 8 2 0 0 2 7 14, फिर इसको काटिए, 2 4 8 2 3 6 2 9 18, ठीक है, 7 4 11 नहीं कटेगा ये, ठीक है। इसको सीधा जब इतना लंबा कैलकुलेशन हो नहीं कट रहा हो तो सीधे उसका भाग कर दीजिए,
रिक्शा में ही करिए, अगर ज्यादा मतलब कट रहा है जितना छोटा पा रहा है उतना छोटा कर लीजिए, नहीं हो पा रहा सीधे भाग कर दीजिए 407 को, ठीक है। देखिए नहीं जाएगा दशमलव लगाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 439 है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये लगभग है 4 9 36, हो सकता 9 बार चला जाइए करके देखिए, 439 × 9 कर दीजिए, 9 9 81, ठीक है। 8 बचेगा, 9 3 27 और 8 कितना हो जाएगा, 27 और 8 हो जाएगा आपका 35, 3 बचेगा, 9 6 36 3 39, तो आप देख रहे हैं 3951 हो रहा, हाँ मतलब 9 बार चला जाएगा, कितना आया 9 बार में 3951, इसको हटा दीजिए, अब यहाँ सीधे 9 लिख दीजिए। अब इसको जब घटा डालेंगे 10 में से 1 गए 9 हो जाएगा, 6 में से 5 गए 1 हो जाएगा, फिर 10 में से 9 गए 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 119 आपका बचा हुआ है, फिर 119 होगा तो 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 0 बढ़ेगा तो कितनी बार जाएगा, देखिए 4 2 8 4 3 12 2 बार तो आराम से चला जाएगा, 4 2 8 तो इसको 2 से गुणा करिए, 2 9 18, 2 3 6 1 7, 2 4 8 इतना हो जाएगा, 2 9 18, 2 3 6 1 7, हाँ 2 4 8, तो 10 में से 8 गए 2 हो गया, 8 में से 7 गए 1 हो गया, ठीक है, 8 में से 7 गए 1 हो गया, और 11 में से 8 गए 3 हो गया, तो 312 ये हो गया। फिर देखिए यहाँ 0 अपने आप बढ़ेगा, फिर लगभग कितना बार जाएगा, 428, 7 बार तो चला जाएगा, 7 बार हो सकता चला जाए, नहीं तो 6 बार तो जाएगा ही जाएगा, उसको चेक कर लेंगे हम, तो लगभग 6 या 7 आएगा, इतना आ जाएगा इसको काटने के बाद, ठीक है। कितना आ जाएगा, 0.926 या 7 आएगा, उसको हम करके देख लेंगे, आप लोग देखिएगा कितना आ गया, इसको जो हमने इसको हल किया कितना आ गया, 0.926 तो पक्का आया है, हो सकता 7 भी आ जाए, ठीक है, इनटू 100 आएगा, ये 100 है ही ऑलरेडी, तो आ जाएगा 92.67%। तो इसका जो आंसर हुआ अंग्रेजी में प्रति छात्र अंक जो है, हिंदी में प्रति छात्र अंक का औसत कितना है, 92.6। तालिका में कोई शॉर्टकट नहीं है, उसमें आपको चीजों को इसी प्रकार से करना पड़ेगा, सबका टाइम तालिका में लगता है, वहां पे थोड़ा अप्रोक्स करके देख लेते हैं, जैसे अभी 92.6 आया, अगर विकल्प में दिया है 80 85 90 92, तो हमारा 92 जैसे दिखा वहां तक पूरा नहीं करते हैं, वहां पे टिक करके निकल लेते हैं, तो वहां पे आसानी आपको हो जाएगी, लेकिन जो करने का तरीका है यही है तालिका में, और तालिका और ग्राफ में कोई अंतर नहीं है। इस वीडियो का शुरुआत का आधा घंटा आपके लिए रामबाण है, वैसा आपको कहीं भी YouTube पे नहीं मिलेगा, इस बात को आप मान के चलिए, और अच्छे से इस वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं समझ में आता, जिन मित्रों बहुत सारे मित्र को DI में कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी वो एक बार अगर देखेंगे तो हमें आशा है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि उनको कुछ ना कुछ इस नया इस वीडियो में जरूर मिला होगा जो शायद वो नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो ये हो गया पूरा DI का 20 नंबर का मैराथन, आज आपके हाथों में 20 नंबर हमने दे दिया है, और आप आशा करते हैं इस चीज को अच्छे से समझ के कुछ प्रश्नों का अपने साथ अभ्यास करके 20 में 20 अंक प्राप्त करेंगे, और अपने जो है पेट 2022 के स्कोर को 80+ लेके आएंगे। इसी आशा पूर्ण विश्वास और शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।